ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीतं कल्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदाजनाः ठाकुर समाधि के उपरांत लीला स्वदन का बात कर रहे हैं एक के बाद बहु तो पहले तो समाधि लाभ करना पड़ेगा इसके बारे में बोल रहे हैं समाधि की ओमनी होएगा इज नॉट इजी ऐसी देखते देखते समाधि नहीं होता है मन नाश ले ना मनोनाश का जरूरत होता है गुरु बोले तुम्हें हमें मन हमें तुम्हें ज्ञान दीची नैंगा बोलत अरे मन बिलाते नहीं ये चार सेंटेंस बताया इसके बारे में चार वाक्य बताया कि समाधि यद्यपि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है ये बहुत आसान चीज नहीं है और इसमें क्या करना है सिंपल बता दिया मन का नाश होना चाहिए हम समझाएंगे बड़ी मनोनाश ये विशाल वितर्क है चर्चा है विषय है हमारे शास्त्रों में वसनाक्षय एवं मनोनाश यहाँ पर ठाकुर बोल रहे हैं मनोनाश होने से ही समाधि प्राप्त होगा और इसलिए गुरु ने कहा था तुम हमें मन दे दो हम तुमको ज्ञान देंगे तब इसमें एक बात होता है कि मन जो देने वाला चीज़ है कि नहीं जो जड़ वस्तु है वो ट्रांसफरेबल है और जो चेतन है वो तो ट्रांसफरेबल नहीं है निराकार है तो ये सब चर्चा करके फैसला करना जरूरी है और एक चीज जो कहते नागा ने बताया अरे मन इधर उधर नहीं देना है ये मन बिलाते नहीं इस वर्ड हैज़ बीन नोमिटेड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी में बताया मन इधर उधर नहीं देना चाहिए ये भी एक अर्थ है बिलाना नहीं बिलिए देवा और एक अर्थ है जो श्रे पूजन भूतेश्वर नंदी जो यूज किए है मन बिलात में नहीं है बिलात मीन विदेश दिशी भी लेती कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री बन कहीं पर कोई विदेश में नहीं है इज नॉट इन ए फॉरेन प्लेस मन हमारी हिफाजत में है समझना चाहिए और हमारी हिफाजत में रहते हुए भी मन हमारा नियंत्रण में नहीं है ये इम्पॉर्टेंट बात है और जब हमारा मन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण आ जाएगा तभी हम मन को लेकर कुछ कर सकते हैं ये समझने के लिए हमारे मन के बारे में कुछ ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि हमारा मन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है वी आर इज ड्यू टू दी कैपेसिटी ऑफ आवर माइंड हमारा मन जैसा है उसी अनुसार हमारा गति होगा वी आर नॉट इवेल्युएटेड बाई आर फिजिकल स्ट्रेंथ बाई वन मेंटल स्ट्रेंथ हमारा मन की शक्ति कितना है मन कितने दृढ़ है कितने प्रभावशील है कितने रिच है इसी अनुसार हमारा व्यक्तित्व तो निर्भरशील है तो मन के बारे में क्लियर कंसेप्शन होना बहुत जरूरी है जीवन में सफलता का मूल रहस्य है मन के बारे में जानना द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज टू हैव क्लियर कंसेप्शन ऑफ द माइंड इसकी विशद चर्चा है लेकिन संक्षिप्त रूप से हमें इसको जान लेना जरूरी है क्योंकि ये मन को नियंत्रण के माध्यम से ही हम हमारे जीवन का सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो तुर कहते हैं मनोनाश साधारणतः कहलाता है जिसे हमारे एक स्थूल शरीर है वैसे हमारे एक सूक्ष्म शरीर है साधारणतः हमारा व्यक्तित्व को तीन विभाग में विभाजित किया जाता है एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर एक कारण शरीर ग्रॉस बॉडी सर्टल बॉडी एंड कौजल बॉडी ग्रॉस बॉडी यानी जिसको बाहर में दिखाई पड़ रहा है जब हम शीशा के सामने खड़े होते हैं स्टैंड बिफोर ए मिरर, जो छवि दिखाई पड़ता है वो हमारा स्थूल शरीर है एक्सटर्नल बॉडी लेकिन इस स्थूल शरीर के भीतर और एक शरीर है इसको सूक्ष्म शरीर कहलाता है एंड दैट इज द माइंड इन द वाइड सेंस ऑफ द टर्म इसका विभाजन है हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो अंतरात्मा है सूक्ष्म शरीर है उसी को मन कहलाता है इसको दिखाई नहीं जाता है लेकिन जिसका शक्ति अपरिसीम है इनफाइनाइट पावर ऑफ द माइंड फिजिकल पावर इज लिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ लेकिन मन का कोई सीमा नहीं है जल्द भी इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसके पीछे और एक है वह कारण शरीर कौशल बॉडी जिसमें हमारा समस्कार राशि छिपा रहता है तो इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी क्या हुआ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स बॉडी इज लाइक द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर और उसके भीतर क्या हम रखते हैं सॉफ्टवेयर जो कि हमारा मन है सूक्ष्म है और क्या है और यह क्या है हमारा आर्काइव फाइल्स जो तो जितने हिस्ट्री डेटा सो आर्काइव फाइल में हम रख लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर का समस्कार राशि वो मानो पेन ड्राइव में रखा हुआ है वो तो हमारा कौशल बॉडी है तो जब मृत्यु होता है देहांतर होता है तब क्या होता है ध्यान दब होने से ये स्थूल शरीर का पतन होता है तो हमारे ये पूरा जो परिचय है वह है स्थूल शरीर शरीर एवं कारण शरीर का समष्टि ग्रुप ऑफ थ्री बॉडीज वन बाइंड और इसके पीछे है आत्मन जो कि चेतन है और इस स्थूल कारण शरीर जड़ है जड़ मतलब नाशवान पेरिशेबल चेंजेबल चेतन मतलब वो नाशवान नहीं है तो जब मृत्यु होता है तब ये शरीर फिर आगे नहीं बढ़ने का योग्य होता है तब आत्मन जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हो के ऊपर सवारी होके इस शरीर छोड़ देते हैं इट डिस्कनेक्ट इज रिलेशन विद दिस ग्रॉस बॉडी एंड वी से दिस पर्सन इज डेड और ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लेके दूसरा एक सूर्य शरीर परिग्रह कर लेते हैं इसी को जन्मांतर कहलाता है तो जन्मांतर में क्या होता है वी गेट ए न्यू फिजिकल बॉडी बॉट दोल्ड माइंड बट नॉट द माइंड दट ओल्ड माइंड एंड ओल्ड संस्कारा जिसके ऊपर सवारी होकर आत्मा एक नया देह परिग्रह करते हैं तो ये से फ्रेश न्यू बॉडी विद ओल्ड माइंड एंड ओल्ड टेंडेंसी तो इसे तो स्वच्छ कहलाता है ओल्ड वाइन न्यू बॉटल बॉटल तो फ्रेश है लेकिन वाइन पुराना है ये हमारा जन्मांतर का है ये मनोनाश नहीं हुआ शरीर का जब ख़त्म हो गया देहांत हो गया मृत्यु हो गया मन का नाश होना मन का ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरा जाएगा, और ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहते हैं बराबर के जिसे समस्कार राशि है उसको एक्सॉर्स करने के लिए दूसरा शरीर पैदा करना पड़ेगा और फिर उस शरीर में और भी कुछ संस्कार राशि पैदा होगा फिर उसको भी आगे बढ़ाते हुए और भी एक शरीर लेना पड़ेगा तो ऐड इन्फिनिटम पुनरूपी जननम पुनरूपी मनोनम पुनरूपी जननी जठरी शयनम चलते रहेंगे लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तब और जो संस्कार राशि वो अभी लोप हो जाएगा और आगे बढ़ने का उसका कोई मतलब नहीं होगा तब वो बराबर के लिए छुटकारा मिल जाएगा तब वो मुक्त हो जाएंगे ये जन्मांतर का जो चक्र है चक्र से उनको अभ्याध मिल जाएगा और ब्रह्म ज्ञान होने से ये जन्मांतर का चक्र बंद हो जाता है उसी को मुक्ति कहलाता है और उसी का लक्षण बताया मनोनाश मौन अगर नहीं रहा तब मन के भीतर जो छिपा हुआ कामना वासना जिसके जरिए हम अगले जन्म लेते हैं वो तो नहीं रहेगा फिर अगले जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं रहता है दिस इज न दिस इज न रीजन वाई यू शुड बी बॉर्न बिकॉज इट इज पूर्ण काम हो गया सब कामना वासना खत्म हो गया ये मोटा मोटी अवस्था है तो अभी वो जो मन के बारे में बताया मनोनाश करना पड़ेगा इसके लिए हमें जानना चाहिए मन किसको कहलाता है वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द माइंड दिखाई नहीं जा रहा है तो हार्डली वी आर हैविंग एनी एक्सपोजर टू नो माइंड क्या है मन के बारे में कुछ ऐसी विस्तृत जानकारी नहीं मिलता है लेकिन हमारे शास्त्र कह लेते हैं मन कैसा है मन को उपादान कैसा है किसको मन कहलाता है मन का जो विवरण हम इसके बाद आगे देखेंगे उसी के उपरांत ही हम ठाकुर का वचन हम समझ पाएंगे ओम शांति 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 हरि ओम सत् श्री राम कृष्णार मस्तु अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए इन मुश्किल